कुछ कहना अभी इसमें मेरी बैठक नहीं हुई है अभी, मैं चूंकि आज कल फैसला आया है, आज मैं प्रयागराज के दौरे पे हूँ, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये ऐसा सरकार का विचार भी है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव करें इसको उपचुनाव में मुद्दा भी बनाएंगे और करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है, झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में, अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सेफ ही जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी दो धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम चार धार की तलवार लेकर के चलते हैं। सर एक सवाल कलकत्ता को लेकर के है सर, जो घटना हुई उसके बाद जो डॉक्टर हैं लगातार, वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। जैसे समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे, अब वहाँ टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, व्यापारी जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में जो संकट है वहाँ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है लड़ाई लड़ रही है, और महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उस घटना के दोषियों के खिलाफ सीबीआई जांच का वहां के हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो जांच हो रही है और जांच के बाद मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हत्यारों को, ऐसे दुराचारियों को, व्यभिचारियों को कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक रेलवे हादसा हुआ है कानपुर में। दुखद है, देखिए कोई भी हादसा तो कोई भी दुखद होता है, हादसा नहीं होना चाहिए लेकिन हादसा कोई भी दुखद होता है, उसका भगवान की यही कृपा रही कि कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं।